हूँ आपकी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज मैं एक बार फिर आप सभी को प्रेगनेंसी से रिलेटेड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके आप अपने पेल्विक पेन से और अपने बैक पेन से छुटकारा पा सकते हैं। आपको मेरे इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर परफॉर्म करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप इसको मॉर्निंग में ही करें, आप इसको डे में अपने किसी भी फ्री टाइम पे कर सकते हैं। और आज के एक्सरसाइज की खास बात ये है कि सारी एक्सरसाइजेस आपको सपोर्ट लेके करनी है, मतलब कि आप इन एक्सरसाइजेस में चेयर का यूज कर सकते हैं, चेयर के सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। और सारी बहुत ही अच्छी एंड लाइट एक्सरसाइजेस है। इन एक्सरसाइज में आपको कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बस हम इस एक्सरसाइज में अपने चेयर का यूज करेंगे, चेयर जो कि सबके घर पर होती ही है। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हम इस वीडियो की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चेयर लेना है, चेयर के ऊपर बैठना है, देन अपने स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए अपने राइट हैंड को और अपनी अपर बॉडी को लेफ्ट साइड बेंड करना है। अगर आप चाहे तो अपने चेयर के लेफ्ट साइड अपने हैंड से चेयर को होल्ड करके लेफ्ट साइड बेंड हो सकते हैं। देन सेम राइट साइड। इसको आपको ओनली 10 टाइम करना है। Then relax. इसी तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम आपको अपने चेयर पे आराम से बैठना है, देन अपने लेफ्ट लेग के नी को बेंड करते हुए अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के अपसाइड रखना है, अपने स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए रखना है। या आप चाहे तो अपने चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं, अपने बैक को चेयर से टच करके रख सकते हैं। देन आपको अपने राइट हैंड को अपने राइट लेग के नी पर प्लेस करते हुए अपने लेग को डाउन साइड पुश करना है। राइट साइड आपको अपनी बॉडी राइट साइड करते टाइम आपको अपनी बॉडी को 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। यानी कि आपको जब आप अपने लेग को डाउन साइड पुश करेंगे तो इसको 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। देन सेम अदर साइड। ऐसा आपको 5 टाइम्स तक करते रहना है। Then relax. इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने चेयर को अपने फ्रंट साइड रखना है, देन अपने दोनों लेग को ओपन करके अपने चेयर का सपोर्ट लेते हुए अपने राइट हैंड को अपने चेयर पे प्लेस करना है, देन अपने लेफ्ट हैंड को अप साइड ले जाके अपनी अपर बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करना है। देन सेम अदर साइड। इसको भी आपको 10 टाइम्स तक करते रहना है। Then relax. इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेम आपको अपने चेयर को अपने फ्रंट साइड रखना है, देन अपने दोनों लेग को ओपन करके अपने दोनों हैंड्स को अपने चेयर पे प्लेस करना है, देन अपर बॉडी को डाउन साइड ले जाते हैं। फर्स्ट आपको अपने हिप को राइट साइड लेके जाना है, देन लेफ्ट, अगेन राइट, अगेन लेफ्ट। इसको भी आपको 10 टाइम्स तक करते रहना है।
देन रिलैक्स। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में भी हम चेयर का यूज करेंगे। सबसे पहले आपको मैं दोनों हैंड्स को चेयर पे रखते हुए अपने दोनों लेग्स की नी को बेंड करके डाउन साइड जाना है। देन अपने और चेयर के बीच में गैप मेंटेन करके रखना है। अपने दोनों हैंड्स को अपने चेयर के ऊपर प्लेस करके आपको अपनी अपर बॉडी को डाउन साइड लेके जाना है। देन इसी पोजीशन में रहकर आपको अपनी बॉडी को 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। देन आपको अपने दोनों हैंड्स को बैक साइड लेके जाना है एंड अपनी नेक को अप साइड। इसको आपको ओनली 5 टाइम्स तक करना है। देन रिलैक्स। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने चेयर को अपने फ्रंट साइड रखते हुए अपने चेयर का सपोर्ट लेते हुए आपको डाउन साइड जाना है। अपने दोनों लेग्स को ओपन करके रखना है। देन डाउन। देन अपने दोनों हैंड्स को ज्वाइन करके आपको इसी प्लेसिंग में अपनी बॉडी को होल्ड करके 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। अपने दोनों हैंड्स के एल्बो से अपने दोनों लेग्स की नी को आउटसाइड पुश करना है। ऐसा आपको 5 टाइम्स तक करते रहना है। देन रिलैक्स। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने चेयर को अपने लेफ्ट साइड रखना है। देन चेयर का सपोर्ट लेके आपको फर्स्ट अपने राइट लेग को फ्रंट साइड, देन लेफ्ट लेग को बैक साइड, अपने राइट हैंड को राइट वेस्ट पे होल्ड करते हुए दोनों लेग्स की नी को बेंड करना है। डाउन साइड जाना है। देन सेकेंड लेग। इसको आपको 10 टाइम्स तक करते रहना है। देन रिलैक्स। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है।